पांच जगह में से एक जगह संपत्ति को भी बताया गया कि जैसे संसार से भी अशांति प्राप्त होती है संसार के लोगों में। आप सोचते हैं कि मैं संसार में जितना रहूंगा, जितना सबके साथ मैं रहूंगा, उतना मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ना ना ना, ना। स्कंद पुराण कहती है हो नहीं सकता। संसार के लोगों के लिए आप दुनिया भर का कितना भी सुख प्रदान कर दीजिए, किसी के लिए आप अपनी जान भी निकाल कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए आप अपनी पूरी संपत्ति भी लुटा कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र आभूषण माणिक मोती रतन जो कुछ दे सकते हो दे दीजिए, उसके बाद भी संसार के लोग कहे बिना रह नहीं सकते। आपको कहे बिना रहेंगे नहीं। आप कितना भी सुख उनको दे दीजिए, आप कितना भी सुख उनको प्रदान कर दीजिए, आपको वो सुख आप दे भी देंगे। एक व्यक्ति अगर अपने घर की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर पूरे घर के मेहमानों को, संसार के लोगों को, सबको बुला ले, और सबको बुलाने के बाद में वो सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, सबका सत्कार करे, सब कुछ अच्छा करे, सबका आदर भी करे, सबका सम्मान भी करे, सबको खूब दे भी और खूब प्रदान कर दे, उसके बाद भी दुनिया के लोग कहेंगे हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा होगा। ये दुनिया की रीति है, ये दुनिया का क्रम है। संसार का व्यक्ति जितना आप विचार करेंगे कि मैं संसार के अंदर रहूं, लोगों के अंदर विराजमान रहूं, मुझे यश ही यश मिले, तो बहुत मुश्किल है। आप दुनिया का सारा सुख दे दीजिए तो भी यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत मिल गया तो मिल गया, किसी ने कह दिया, किसी को आपने देते रहे तो मिल गया। संसार अशांति देता है। संपत्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कथा कहती है कि हमारी संपत्ति भी हमको अशांति देती है। जिसके पास कुछ नहीं वो आराम से रोड के किनारे टाट बिछा कर बहुत मस्ती से सोता। और जिसके पास में बहुत कुछ है, सारी संपदा भरी पड़ी हुई है, सारी दौलत भरी पड़ी हुई है, सुंदर बंगला है, डनलफ का गद्दा है, एसी भी लगा है, पंगल पलंग भी लगा है, नौकर चाकर सब कुछ लगे, सब कुछ, तो भी उसको नींद नहीं आती। कितना सुंदर कहा गया शिव महापुराण के अंतर्गत, कितनी सुंदर बात कही गई कि शिव महापुराण की कथा, कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा होती है तो वहां 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रोक दी जाती है, शिव महापुराण की कथा होती है तो पैदल चलकर बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक। पर कोई किसी चिकित्सक से पूछे, कोई डॉक्टर से पूछे, कोई आयुर्वेद वाले से पूछे, कोई होम्योपैथिक वाले से पूछे, कोई योग गुरु से पूछे कि शास्त्र क्या कहता है, हमें स्वस्थ रहने का तरीका क्या बताता है, तो कहा सबसे सुंदर तरीका है स्वस्थ रहने का कि जितना पैदल चल सकते हो उतना जिंदगी में सुख प्राप्त कर सकते हो। अब भगवान भोलेनाथ जी की कथा सुनने के लिए आप लोग आते हैं, शंकर जी की कथा में आप लोग पहुँचते हैं, शिव पुराण में पहुँचते हैं, तो बाबा भोलेनाथ पहले ही तुम्हारे स्वस्थ रहने की व्यवस्था कर देता है। भोले बाबा करता क्या है कि 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकवा देता है। तुम कितने बड़े भी सेठ हो, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकवा दी और बड़े प्रेम से पैदल पैदल आराम से चलते 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 कथा में पहुंच गए, आसन लगाया, बैठ गए, बैठने के बाद वापिस जाने की तैयारी हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है संपत्ति सुख नहीं देती, संपत्ति अशांति देती, संपत्ति शांति नहीं दे सकती, वैभव दे देगी। आप डनलप के गद्दे पर सो जाओगे, आप खूब जेवर पहन लोगे, आप अच्छे वस्त्र पहन लोगे, आप भूषण धारण कर लोगे, सारा सुख तुम्हारे पास में आ जाएगा, पर शांति नहीं आ सकती। इसलिए बारंबार कहा गया मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण में, बाकी के दुनिया का सुख कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। दुनिया का सर्वाधिक सुख भगवान के चरणों में। आप कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कभी पहुंचे या आए तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचकर तुम कहीं पर भी एकांत में बैठ जाओ, जितनी देर बैठे रहोगे आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा शंकर तुम्हारे आसपास में से घूम कर निकल कर गया है, शिव तत्व की प्राप्ति कहीं। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप जितनी देर बैठोगे परमात्मा के चरणों में, जितनी देर विराजमान हो परमात्मा के चरणों में, जितनी देर बैठे हो उतनी देर तुम्हें शांति है, उतनी देर आनंद है। तो शिव तत्व कह रहा है कि संसार में शांति नहीं है, संपत्ति में शांति नहीं है। शिव तत्व कह रहा है संबंधों में शांति नहीं है। जितने संबंध बनाते चले जाओगे, नहीं साहब हमने इनको हमारा भाई बना लिया, घर का भाई नहीं बनी दिया, भाई बना के बैठे, नहीं साहब इसको हमने हमारी बेटी बना लिया,
घर की बहन बेटी को साड़ी नहीं दिला रही और दूसरी बेटी बनाते फिर। नहीं साहब, इनको हमने हमारा काका जी बना लिया, तो घर का काका जमीन और जायदाद के लफड़े में पड़ा, आज तक नहीं सुलझ रहा, और एक और काका बना के तैयार कर लिया। नहीं साहब, ये हमारी बुआ है। नहीं साहब, ये हमारा ये है। नहीं, संबंध जितने जितने संसार के लोगों से जोड़ोगे, शिव पुराण कहती है जो हमारा संबंध है जितने लोगों से जुड़ा है उतना ठीक है, पर अलग से कोई संबंध जोड़ने का प्रयास मत करो, अलग से परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करो तो जीवन की सार्थकता, जीवन की सार्थकता परमात्मा को जोड़ो, परमात्मा को अपने करीब लाने का प्रयास करिए, परमात्मा को अपने नजदीक लाने का प्रयास करिए, परमात्मा को अपने करीब में जितना जितना लेकर आओगे उतना उतना सुख और शांति आपके जीवन में आती चली जाए, उतनी शांति उतना सुख। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से 3 दिवसीय शिव चर्चा का यह सुंदर संवाद, आज तृतीय दिवस है, विराम का दिवस है, स्मरण रहे, संसार से संपत्ति से और संबंधों से शांति की अनुभूति नहीं है, संबंध भी हमको अशांति देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मन अशांत हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, मन अशांत हो गया, कहीं किसी ने कुछ कहा, अपन घर से निकल कर चले गए, मन अशांत हो गया। अच्छा, जरा सा विवाद हुआ और लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, हमको यह समझ में नहीं आता कि घर में तुम रहकर भी शांति का अनुभव नहीं कर पाए तो क्या छिपरा जी के तट पर जाकर, गंगा जी के तट पर जाकर, नर्मदा जी के तट पर जाकर, किसी तीर्थ में जाकर, सबको छोड़कर अकेले घर से निकलकर घर के बाहर जाकर क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? जम के बोलो जरा, नहीं मिल सकती। घर छोड़कर शांति का अनुभव नहीं हो सकता। संसार ने अशांति दी, संपत्ति ने अशांति दी, संबंधों ने अशांति दी, फिर अगली अशांति दी स्वास्थ्य ने, घुटने दुखने लगे, कमर दुखने लगी, पीठ दुखने लगी, अशांति होने लगी, अब मैं बहुत बीमार रहने लगी, मेरे जीवन का क्या ठिकाना गुरु जी, मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना। कभी अगर मौका लगे ना, एक बार भविष्य पुराण का अध्ययन करिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण लीजिए और उसका अध्ययन करिए। भविष्य पुराण का जब अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन में आपको निकलेगा कि परमात्मा ने जब हमको जन्म दिया तो जन्म के समय पर हमारी खोपड़िया में एक मैग्नेट लगा दी, एक चुंबक लगाई, परमात्मा ने हमारी खोपड़िया में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे भेजे में, हमारे सिर के अंदर, हमारे मस्तिष्क में एक चुंबक लगाया। कभी अगर भविष्य पुराण पढ़े तो उसमें अध्ययन करिएगा, हमारे मस्तिष्क में एक चुंबक परमात्मा ने जन्म के समय पर, पैदा होने से पहले, हमें बनाने से पहले, माता के गर्भ में जब हम पड़े हुए थे हमारा मस्तिष्क बन रहा था तो इसमें एक चुंबक फिट कर दिया। इसलिए मरने के बाद जब अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार में जब मुर्दा आधा जल जाता है तो उसकी खोपड़िया को फोड़ कर कपाल क्रिया करी जाती है। आपके दर करते कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम, हमारे दर की रीति है बांस में लोटा बांधकर उसमें घी भरकर उसके घर के बेटों से, उसके पोता पोती से वहां पर खड़ा करवा के पोते से खोपड़िया में वो डंडा पड़वा कर वहीं घी उंडेलवा कर डंडे को फेंक दिया जाता है, उस बांस को फेंक दिया जाता है। देखा है आप लोगों ने इसको? भगवान जब हमें जन्म दिया, परमात्मा ने जब हमको पैदा करा, उस समय पर माथे में, मस्तिष्क में, भेजे में एक चुंबक लगा। क्या करती है वो चुंबक? चुंबक का कार्य क्या है? चुंबक का कार्य है, अगर आपने पैसा 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 सोचा विचारा, दिन रात पैसे पैसे में लिप्त रहे तो व्यक्ति, वो मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है वो पैसे को अपनी ओर खींचती है, मतलब मनुष्य पैसे को आसक्ति के रूप में अपनाना प्रारंभ कर दे। अब चुंबक का दूसरा कार्य क्या है? अगर किसी बुरे व्यक्ति में बुराइयां देखोगे तो वो बुरे व्यक्ति की बुराई तुम खींचते चले जाओगे, वो तो ऐसी, वो तो वैसा, वो तो वैसा, हर व्यक्ति में बुराई, क्योंकि तुम्हारे भीतर में जो भेजे में चुंबक भरी है वो बुराइयां ही खींचेगी। और अगर तुमने किसी व्यक्ति में अच्छाई देखना प्रारंभ कर दी तो तुम्हारे मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है वो दिन रात हर व्यक्ति में अच्छाई को ढूंढना प्रारंभ कर देगी, अच्छाई खींचना प्रारंभ। एक चुंबक लगी। अब ये बात तो अपने तक हो गई,
अब मेन बात पर जाओ, मुख्य बात पर। मस्तिष्क में चुंबक लगाकर परमात्मा ने हमको पैदा करा है, एक आकर्षण देकर हमें पैदा करा है, एक चुंबक लगाकर हमें पैदा करा है। चुंबक जब पैसे को खींचती है तो पैसा ही पैसा सोचने में आता है, बुराई खींचती है तो बुराई हमारे अंदर आती चली जाती है, किसी का क्रोध खींचती है तो क्रोध हमारे अंदर आता चले जाता है, उसी तरह अच्छाई किसी की खींचती है तो हमारे अंदर अच्छाई आती चली जाती है, उसी तरह चुंबक बीमारी को भी खींचती है। हम जब एक बीमारी के बारे में सोचते जाते हैं, मेरे पांव, मैंने सुना है किसी को पेट में बच्चादानी में गांठ पड़ गई तो मालूम पड़ा कि उसको कैंसर हो गया। मैंने सुना है किसी के घुटने में अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका घुटना बदलाना पड़ा, मालूम पड़ा उसमें ग्रीस कम हो गया। मैंने सुना है कि किसी के हृदय में छेद हो गया, किसी के हृदय में कुछ हो गया, किसी के चेस्ट में गठान पड़ गई तो कैंसर बता दिया गया। ये हम जरा सा हमारे शरीर में दर्द हुआ और हमने वो सोचना प्रारंभ कर दिया। क्या सोचा हमने कि उसको कैंसर हो गया था, उसकी किडनी खराब हो गई थी, उसका लीवर खराब हो गया था, उसके साथ में यह हो गया था, उसके घुटने बदलवाए, उसको गुजरात ले गए, उसको राजस्थान ले गए, उसको वहां ले गए और उसका शरीर में यह करवाया, आंख में प्रॉब्लम हुई तो आंख के बारे में सोचते रहे। अर्थात हमने इतनी बीमारी का सोच लिया। बीमारी वो थी नहीं, पर हमने सोच के चुंबक जैसे उसको खींच कर अपने अंदर वो बीमारी को इकट्ठा कर लिया, आखिरी में वो बीमारी हो गई। ये हमारे भीतर की चुंबक है जो हमें खींच रही है। छोटी मोटी गठान हो जाए ना, कभी मत सोचना हाओ, ऐसी तो होती रहती है। दवाई खाऊंगी, शंकर पे चढ़ा हुआ जल पीऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी, सारी जांचें कराऊंगी, जो डॉक्टर बोलेगा सारी जांच कराऊंगी, और मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर के अनुसार चलकर, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, उसके अनुकूल चलकर मैं ये दवाई ले लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरी सारी गठान गल जाएगी। जब तुमने सोच लिया गल जाएगी, मतलब गल जाएगी। तुमने सोच लिया कि नहीं, वो डॉक्टर तो बोल दिया है कि इसकी ऑपरेशन कराकर निकलवा कर जांच करने जाएगी और मुंबई भेजी जाएगी, आधी तो टेंशन में मर गई, कहीं कैंसर। सोच, आखिरी में सोच पाई एक पत्र। हम चाहते नहीं थे कि ये, हमारा मन नहीं था कि 3 दिन की कथा में पत्र पढ़े, पर आया है। मैं किंजल, उम्र मेरी 13 वर्ष है, जालोर से आई हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं बेटा। मम्मी आई हैं साथ में? आप ही हैं। घूम के उधर से जाओ, उधर से घूम के इधर। मैं किंजल, उम्र मेरी 13 वर्ष है, जालोर से हूं। गुरुजी, बाबा सबका जीवन बदल देते हैं, लेकिन मेरी मम्मी को तो नया जीवन दे दिया मेरे बाबा ने। मेरी मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर था, डॉक्टर ने बोला था घर ले जाओ और सेवा करो। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। घर ले जाओ और सेवा करो, मेरे पापा महादेव को रोज जल चढ़ाते थे, लेकिन मेरी मम्मी को उन पर विश्वास नहीं था। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 4th स्टेज का कैंसर भी बाबा ने केवल जल का आचमन करने से और रुद्राक्ष का जल पीने से ठीक कर दिया। 4th स्टेज का कैंसर भी बाबा ठीक कर दिया। गुरुदेव, 4th स्टेज के कैंसर पे डॉक्टर ने कह दिया इनको घर ले जाओ। हम घर तो लेकर आ गए, पर हम सीहोर आ गए, और बाबा सीहोर आकर हमने यहां से रुद्राक्ष मांगा, रुद्राक्ष लेकर गए। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 साल से आज तक हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, शिव तत्व की प्राप्ति। और गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूं, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे पापा को नौकरी भी बाबा ने दिलवा दी। बाबा, हम प्रत्येक मंदिर में जाकर बाबा को नमन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व की प्राप्ति, आ जाइए। अरे लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया मारा मार का शिवाले ने, लुटा दिया भंडार का शिवाले ने। कल जैसा साउंड कर दो, अच्छा था, परसों भी साउंड अच्छा था।
कर दिया, मिठास नहीं है बिल्कुल भी उसमें, वैसी वैसा आ रहा है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भेजे में परमात्मा ने इस मस्तिष्क के अंदर एक चुंबक लगाकर भेजी है। अच्छा सोच रहे हो अच्छा होगा, बुरा सोच रहे हो बुरा होगा। किसका बुरा होगा? आप दूसरे का बुरा सोच रहे हो ना, उसका कभी बुरा नहीं होगा। बुरा किसका होगा? जो सोच रहे हैं हम, वो हमारा ही बुरा होगा। चुंबक लगी है इस मस्तिष्क में, इस भेजे में। घुटने में दर्द है ना, ये कभी विचार मत करो कि मेरा ऑपरेशन होगा, मेरा घुटना बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से दवाई भी लो, सब कुछ करो, पर ये विचार करो कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, भगवान का भजन करूंगी, शंकर के मंदिर जाऊंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, बेलपत्र चढ़ाऊंगी, और जल बेलपत्र चढ़ाकर उसका पान करूंगी, और यह मेरा विश्वास कहता है कि मैं ठीक होऊंगी, मुझे घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं ठीक हो जाऊंगी, यह मेरा विश्वास करता, ये मेरा भरोसा कहता। चुंबक लगी है एक मस्तिष्क के अंदर, एक आकर्षण परमात्मा देकर भेजता। चलो एक प्रैक्टिकल कर देखिए, आप सब एक प्रैक्टिकल करो, जितने लोग कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुन रहे हैं, दीपावली के बाद, दीपावली के पहले या कल परसों से एक विचार करना कि मुझको ये खाना है, या मुझको ये लाना है, या मेरे पास में धन नहीं तो धन की व्यवस्था, मुझे 5,000, 2,000, 3,000, 15,000 की जरूरत है और वो मुझे चाहिए। 3, 4, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक सोचते रहो, विचार करते रहो, चाहिए मुझे, कहीं से व्यवस्था हो जाए, बाबा कुछ भी करे, कैसे भी मुझे पाना। भोजन के लिए विचार करो कभी कि मुझे भोजन लग चाहिए, मुझे आज ये खाना है, मुझे 5 दिन बाद, 10 दिन बाद मेरा मन है कि मुझे ये प्राप्त करना, धीरे 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 वो चीज़ आपके पास आती चल जाए, अपने पास आती। अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए, जब अच्छा सोचेंगे अच्छा विचारेंगे, अच्छा सोचेंगे अच्छा विचारेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित है कि अच्छा हमें मिलेगा। हम हमेशा जरा सी बीमारी आई, जरा सा रोग आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा कष्ट आया, जरा सी तकलीफ में हम विचार करने लगते हैं कि मुझे ये तकलीफ हो रही। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कथा है, 3 दिन की शिव चर्चा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कंकर शंकर की धरा पर जो हो रही है, उसमें आज विराम दिवस की कथा कहती है। अशांति हमको संसार भी देता है, अशांति हमको संपत्ति भी देती है, अशांति हमको संबंध भी देते हैं, और अशांति हमको स्वास्थ्य भी देता है। हम सोचने में पड़ जाते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये तकलीफ हो गई, मुझे ये कष्ट हो गया, मुझे ये तकलीफ होती चली जा रही, हमारे भीतर से अशांत होते चले, भीतर से हम अशांत होते चले। शांति गई, 4 स्थान अशांति के तो ये बता दिया, और 5वें नंबर पर बता दिया संतान। 5वें नंबर पर कहा कि संतान भी अशांति दे जाती है, संतान। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पुत्र के लिए किया गया कर्म है और बेटी के लिए किया गया धर्म है। धर्म है पुत्र के लिए करना, ये तुम्हारा कर्म है, मेरे को दुकान लगाना है, बच्चों को सेटल करना है, बच्चों को ये करना है, बच्चों को वो करना है, मेरे बेटे के लिए व्यवस्था करना है, मेरे बेटे की शादी करना है, मेरे बच्चे के लिए करना है, पुत्र के लिए करा गया ये कर्म है। बेटे के लिए तुम लाखों की संपत्ति छोड़कर जाना, वो धर्म नहीं कहलाएगा। बेटे के लिए तुम दुनिया भर की दौलत छोड़कर जाना, वो धर्म नहीं कहलाएगा। पर बेटे के लिए अगर कुछ कर रहे हो, उसको अगर लैपटॉप दिला रहे हो, ये कर्म है, उसको मोबाइल दिला रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है। तुम अगर बेटे के लिए जमीन कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है। अगर बेटे को तुमने दुकान खोली, ये तुम्हारा कर्म है, क्योंकि तुम पिता हो, बेटे के लिए करना पड़ेगा। माँ अगर बेटे के लिए रकम बनवा रही है, ये कर्म है। बहू के लिए कुछ कर रही है, तुम्हारा कर्म है। बेटे के लिए जितना करा वो कर्म है। गाड़ी लाए, कर्म है, क्योंकि बेटे के लिए लाना पड़ेगी, बहुओं के लिए लाना पड़ेगी, मकान बनाना पड़ेगा, जमीन करना पड़ेगी, जायदाद करना पड़ेगी, ये सब कर्म की गिनती में आ गई। ये सब कर्म, दुकान बनाओ बेटे के लिए जरूरी है, जमीन करो बेटे के लिए जरूरी है, मकान बनाओ बेटों के लिए जरूरी है, बहू लाओ बेटों के लिए जरूरी है, गाड़ी बंगला करो बेटों के लिए जरूरी है, तुम्हारा कर्म है, करना ही पड़ेगा। पर बेटी अगर घर में आई और बेटी का अगर तुम लालन पालन कर रहे हो, बेटी को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, शादी कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, उसको पढ़ना रहे हो, तो ये तुम्हारा कर्म नहीं है, ये तुम्हारा, जम के बोलो जरा, धर्म।
इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म और धर्म का लेवल बराबर लेकर चलना, अर्थात बेटे के लिए भी करो तो बेटी के लिए भी करते रहना, दोनों का लेवल बराबर लेकर चलिए। कर्म और धर्म के लेवल को बराबर लेकर चलोगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। कर्म और धर्म के लेवल को बराबर बनाइए, बराबर। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का लेवल और अपने धर्म का लेवल दोनों को बराबर कर कर चले, कर्म को और धर्म को बराबर बना कर चले, कर्म और धर्म दोनों बराबर। संसार, संपत्ति, संबंध, संतान, स्वास्थ्य, ये सब अशांति को प्रदान करते हैं, या शांति देते हैं। चार जगह की अशांति को आने से आप रोक सकते हो, चार जगह से जो अशांति आ रही है ना इसको आप रोक सकते हो। चार जगह कौन कौन सी? संसार की अशांति आ रही है तो तुम संसार वालों से संबंध छोड़ दोगे, शांत होगे। संपत्ति से अशांति आ रही है तो ज्यादा ध्यान देना संपदा पर, कि अब जो होगा देखा जाएगा, जितना मिल गया उतनी संतुष्टि है, तो तुम रोक सकते हो, अशांति आने से रुक जाएगी। संसार, संपत्ति, संबंधों से अगर अशांति आ रही है तो तुम संबंध थोड़े कम कर दोगे, रिश्तेदारी थोड़ी कम कर दोगे, अशांति आने से रुक जाएगी। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से भी तुम गोली दवाई लेकर अशांति को रोक सकते हो। पर जो पांचवा नंबर है ना, संतान, इसको तुम कभी जिंदगी में नहीं रोक सकते। इसकी ओर से तो तुमको धीरे धीरे अशांति आती ही रहेगी। तो कोई महाराज तुमसे कह दे कि महाराज की मेरी, मैं तुम्हारी बहू को अच्छा कर दूंगा, बेटे को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे बेटी को सुखी कर दूंगा, तुम्हारे जमाई को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को अच्छा कर दूंगा, कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरे बेटा बहू को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी बेटी दामाद को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे मैं तेरे पोता पोती को अच्छा कर दूं, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हारे नाती पंती को अच्छा कर दूं, ना ना ना। शिवपुराण कहती है चार जगह से आने वाली अशांति को रोका जा सकता है, पर संतान की ओर से अशांति को रोकना कठिन है। ये कभी ना कभी हर 15-20 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कहीं बेटों की ओर से, कहीं बेटी की ओर से, कहीं जमाई की ओर से, कहीं बहुओं की ओर से, कहीं पोता पोती की ओर से, ये थोड़ा ना थोड़ा आता रहेगा, ये थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होता है। अब जब थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा तो हमारे भीतर अशांति फिर जागे, तो करे क्या, फिर क्या करा जाए, क्या कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक चीज करिए, अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है, चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, पांच जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पंचवीगन आता है, पंचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी, तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए, ये 5 दिन जो पंचवीगन के गिने जाते हैं इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि ये 5 जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, कभी संसार वालों से, कभी संपत्ति से, कभी संसार से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी संतान से, ये 5 जगह से जो अशांति आ रही है, तो 5 दिन जो देव दीपावली के आते हैं उसका स्मरण करें। देव दीपावली के समय पर भगवान, देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास करें। देव दीपावली, देव दीपावली के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आप अपना क्रम, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ, जाते हो रोज, सब लोग जाते हो, हर हर, 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, तो एक नियम ले लो,
कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोटा थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल उस पर जल छोड़कर, फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े हो गए जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खाकर भग गया, कोई कुछ लेकर भग गया, कोई कुछ कर कर भग गया, उस शांति के लिए भी हमें आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्त कमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीघन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। पचवीघन के 5 दिन शिव पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास कर देते, रोकने का प्रयास कर देते, सुख का अनुभव करा देते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती ही जावांगी, डोल हथों छड़ी ना में अटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर को रिझाने का एक तरीका यह है, नारायण लक्ष्मी को नारायण को दे रहे हैं भगवान शिव, भगवान शंकर क्यों दे रहे हैं, उसका देने का कारण क्या, क्योंकि नारायण के अंदर समर्पण है, दूसरे का दुख देखकर जो दुखी हो जाए, दूसरे का कष्ट देखकर जो दुखी हो जाए, दूसरे की तकलीफ देखकर जिसके अंदर दुख धारण हो जाए कि इसको ठीक तरीके से कुछ मिल जाए, वो नारायण कर सकते हैं। एक सुंदर चरित्र आता है शिव महापुराण में, एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, आप कार्तिक के महीने की ये सुंदर कथा का जो रसास्वादन कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, दीपावली महापर्व को जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे हैं, एक सुंदर चरित्र आता है। कांचीपुरम में एक चक्रवर्ती, कांचीपुरम में चक्रवर्ती राजा चोल राजा रहते थे, बड़ा अच्छा राजा था, सबके प्रति समर्पण का भाव है, सबका सम्मान करना, सबका आदर करना, सबका सत्कार करना, सबको अच्छा देना, सबका अच्छी व्यवस्था करना, सबके प्रति समर्पण का भाव रखते और होना भी चाहिए। राजा का एक अधिकार है कि अपने क्षेत्र में जिस स्थान का, जिस क्षेत्र का राजा है उस क्षेत्र में धर्म का प्रचार हो, यह राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अपने क्षेत्र में धर्म का ध्वज लहराता रहे, यह राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अब शास्त्र कह रहा है, चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है, शिव चर्चा कर रही है, एक सुंदर आनंद से कांचीपुर में चोल राजा रहते थे और चक्रवर्ती चोल राजा वहां निवास करते थे, जो आज भी चोल राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। राजा जिस नगर में रहता बड़े आनंद से शिवालयों की पूजन कराना, धर्म का कार्य करना, सत्कर्म करना, भगवत भजन करना, नाम स्मरण करना, नाम उच्चारण करना और संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याण की बात करना, चोल राजा का निवास। चोल राजा नारायण भगवान के भी उपासक थे और चोल राजा शिव के भी उपासक थे। ऐसा ही उस एक राज्य में, उस राज्य के अंतर्गत जैसे चोल राजा भगवान नारायण की आराधना करते हैं, जैसे चोल राजा भगवान शिव की आराधना करते हैं, वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विष्णुदास, जिसका नाम विष्णुदास था, विष्णुदास जिसका नाम
और वो भी भगवान शिव की आराधना करने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान की अविरल भक्ति में डूबा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतन शंभू मैं तेरी पतन। चोल राजा शिव की और नारायण की आराधना में लग जाता। तो भगवान एक ब्राह्मण रहता जिसका नाम था विष्णुदास, वो भी भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता, शिव स्तुति में डूबा रहता, शंकर की भक्ति में डूबा रहता, शिव तत्व में डूबा रहता। प्रतिदिन शिवालय जाना, शंकर की भक्ति करना, शिव की आराधना करना। भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाना और दिन प्रति भगवान शिव के नाम का स्मरण करना। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विष्णुदास शिव की आराधना में डूबा रहता, शंकर की भक्ति में डूबा रहता। एक बार चोल राजा भगवान शंकर के मंदिर में आए और शिवजी के मंदिर में आकर, नारायण के मंदिर में आकर उन्होंने ढेर सारे हीरे जवाहरात मोती माणिक सब चढ़ा, सब कुछ समर्पित कर दिया। माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर, ऐसा कोई घर नहीं सनातन धर्म में, ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता दीपावली पर। 31 अक्टूबर को जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहाँ पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर दो दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा कि वैसा ही सिक्का आपने रूप चौदस के दिन थाली में रखा है, वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में, जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो। पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौक पूर कर, बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापिस रखी। और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसे ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु चावल रोली मोली हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो दो दिन से आप करते हैं। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जलाना, अखंड दीप माता लक्ष्मी का जला। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा, जम के बोलो, तेल का लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा, घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जलें सुबह तक वो जलते रहें, ऐसा दीप पर ध्यान देना है। और माता लक्ष्मी की पूजन कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल के टुकड़े। पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित करना। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर कर भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना। हल्दी और कुंकू माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर झोली पसार कर प्रणाम करना। प्रणाम कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए, बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे दीपावली की रात्रि का, 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना
कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी एक रुपया, दो रुपया, कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में, जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा कि नहीं, उसने भरा कि ना भरा। प्रयास करें। लक्ष्मी पूजन का बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पढ़ना, किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना, अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसे की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा? 3रा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम। अभी अपन विष्णु दास नामक का ब्राह्मण भी भगवान की सेवा में लगा, और दोनों में एक अंतर है बड़ा भारी। चोल राजा माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना भगवान को समर्पित कर रहा, और विष्णुदास के पास में कुछ है नहीं। मंदिर में झाड़ू लगा देना, बुआरी लगा देना, शिवालय में जाकर शंकर जी को जल चढ़ा देना, नारायण के चरणों में जाकर तुलसी दल समर्पित। भगवान नारायण के मंदिर में जाकर तुलसी का दल देना, जल समर्पित। कार्तिक का महीना हो, दामोदर मास हो, प्रयास करो तुलसी के जड़ में, तुलसी के पौधे में जल अवश्य समर्पित। एक दीपदान तुलसी के पौधे से थोड़ा सा दूर अवश्य करना चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है तुलसी के गमले में ही दिया रख देते हैं और तुलसा महारानी पूरी कुमला जाती है। अब तुम्हारी सास बेटी हो कुर्सी पर, उसकी साड़ी के पास में दिया धर दो, अच्छा लगेगा? बोलो जम के बोलो, जरा नहीं लगेगा। क्या कहेगी वो, मुझे जलाएगी क्या, मुझ में आग लगाएगी क्या? थोड़ा दूरी रखिए। कल हमसे कोई पूछ रहा था, गुरुजी हम दीपावली पर दिए जलाते हैं, हम दीपावली पर अगरबत्ती जलाते हैं, हम दीपावली पर फटाके जलाते हैं, और कुछ जलाना हो तो बताओ। अब वो तो लोग हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं उनका मन। तो हमने भी कह दिया एक काम करो, तुम्हारे आसपास के जितने तुमसे जलते हैं उनको बुला लो, कुछ जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हारा घर देखकर चल के चले जाए। क्या जलाओगे? शिवा पुराण की कथा कहती है दूसरे का वैभव देखकर कभी मत जलो, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो, बाबा ऐसी कृपा करना मेरे कुबेर भंडारी कि तू हमारे नगर शहर गांव देश प्रदेश और हमारा पूरा भारत देश उन्नति में आगे बढ़ता चले जाए, ऐसी कृपा करो, बाबा से प्रार्थना करो। ये भीतर की प्रार्थना है, अपने भीतर की प्रार्थना। अब भगवान विष्णुदास का नियम था कि अपने नगर में जो शिवालय है, अपने नगर में जो भगवान विष्णु का मंदिर है, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, उसकी अर्चना करना। चोल राजा का नियम था अपने राज्य की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना, भगवान के मंदिर में जाकर माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना रोज प्रतिदिन भगवान नारायण के चरणों में और शंकर जी के चरणों में समर्पित करना। धर्म का प्रचार करना एक राजा का उद्देश्य होना चाहिए। अभी हम जब परसों के दिन शाम के समय पर हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जब उनके निजी निवास पर पहुँचे, कुछ बधाइयाँ देना थी कि संतों के लिए उन्होंने उज्जैन कुंभ के मेले में संतों के लिए, साधुओं के लिए, तपस्वियों के लिए एक सुंदर निर्णय उन्होंने लिया कि यहाँ संत साधु जैसे हरिद्वार में हमेशा रहते हैं, प्रयाग में हमेशा रहते हैं, ऐसे उज्जैन में भी संत साधु अपने अखाड़ों के साथ
साल भर हमेशा रहें, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की, हमने उनको बधाई दी उसके। फिर चर्चा चली बैठकर बहुत देर तक, उस चर्चा में बात निकली तो गौ माता का बात निकली, गौ माता की सेवा पर जब बात निकली तो माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम उसके लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि हमने पूछा गौ माता तो कहे गुरु जी अब की बार ऐसा क्रम चालू करा है कि जितनी सरकारी गौशालाएं हैं, जिन गौशालाओं में सरकार के द्वारा कुछ राशि भी अगर पहुंचती है, ऐसी पवित्र जितनी गौशाला है मध्य प्रदेश की, सारी गौशाला में गोवर्धन पूजन वाले दिन गोवर्धन नाथ जी की पूजन और गाय की पूजन प्रत्येक गौशाला में की जाएगी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बहुत बहुत, जो सनातन धर्म की ध्वजा को आप आगे बढ़ा रहे, बहुत बहुत साधुवाद कि गोवर्धन पूजन वाले दिन, दीपावली के दूसरे दिन, गोवर्धन पूजन के दिन प्रत्येक मध्य प्रदेश की जितनी गौशालाएं, जितनी सरकारी गौशालाएं, जहां जहां अनुदान जाता, जिससे प्रत्येक गौशाला में गौ माता और गोवर्धन की पूजन हो, जिससे सनातन धर्म मजबूत हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए धन्यवाद, बहुत साधुवाद। धर्म की ध्वजता स्थापित होना चाहिए। चोल राजा ने अपने राज्य में संपूर्ण सुख अनुभव करा दिया, संपूर्ण सुख, संपूर्ण सुख। समय बीतता गया, भगवत भजन आगे बढ़ता गया। अब जो विष्णुदास थे ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मण के घर में जन्मे, उनका नियम था शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, और शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवालय पर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर देना। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर में, आप लोगों ने स्मरण किया होगा, हम पूरे साल आपसे नहीं कहते कि आप आंवले को जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए, पर कार्तिक महीने में तीन और एक तुलसा महारानी चार, ये चार जगह पर अगर हमने जल समर्पित करा है तो ये जल हमारा खाली नहीं जाता, ये जल हमको सुख और शांति और लक्ष्मी का अनुभव करा ही देता। दामोदर मास में, कार्तिक महीने में इस जल की बड़ी महत्व है। देव दीपावली पे जब हम कथा का स्मरण करेंगे, ये कथा तो तीन दिवसीय कथा तो आज यहाँ पर विराम हो जाएगी, पर इसके बाद में जो फरीदाबाद में कथा है 4 तारीख से 8 तारीख तक 5 दिवसीय है, उस कथा को जब हम 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से और हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर फरीदाबाद में जब हम श्रवण करेंगे तो उसमें हम देव दीपावली का पूरा महत्व समझेंगे। इसलिए उस कथा का नाम स्कंदेश्वर शिव महापुराण की कथा रखा, कार्तिक के महत्व पर आधारित। 5 दिन देव दीपावली की महत्वता क्या, कौन कौन से देव हैं जो दिवाली मनाते हैं, कौन से देवता हैं जो दीपावली के पर्व पर आकर दीपावली के महाउत्सव को मनाते हैं। जैसे कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर कई सालों से लोग दीपावली की रात्रि को आते हैं, दीप जलाते हैं, कोई 11 बजे आ रहा, कोई 12 बजे आ रहा, अपने घर की पूजन करी, जब समय मिल गया बाबा के आकर 11 दीप प्रज्वलित कर दे। 11 दीप जलाने का महत्व कहां से आया, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर शास्त्र वर्णन करता है, बड़े आनंद के साथ हम लोग कथाओं के माध्यम से श्रवण करते हैं कि जब माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को जब वैभव की जरूरत पड़ी, धन की जरूरत पड़ी, संपदा की जरूरत पड़ी, तो भगवान शंकर की उन्होंने हजारों वर्ष तक आराधना करी, हजारों वर्ष तप साधना, और भगवान शंकर की आराधना करते हैं, आराधना करते 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 कुबेर को बहुत समय बीत जाता है, माता लक्ष्मी को बहुत समय बीत जाता है, पर शिव प्रसन्न नहीं होते, दीव भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। तब भगवान शंकर की आराधना करते करते माता लक्ष्मी ने स्वयं माता ब्रह्माणी से पूछा कि ये शिव प्रकट क्यों नहीं होते, हमें वर क्यों नहीं देते। कुबेर ने पूछा ब्रह्माणी से, हमने इतनी आराधना करी है, शंकर आखिर वर क्यों नहीं देते। तब माता ब्रह्माणी ने कहा कि तुमने केवल शंकर की आराधना करी है पर गौरी शंकर की आराधना नहीं करी है। गौरी पार्वती की अगर आराधना शिव के साथ करी जाए तो निश्चित है शंकर प्रकट होते हैं, शिव सामने आते हैं। नारायण और माता लक्ष्मी, लक्ष्मी को आमंत्रित करते हो नारायण रह जाते हैं, नारायण को आमंत्रित करते हो लक्ष्मी रह जाती हैं, ब्रह्मा को आमंत्रित करते हो ब्रह्माणी रह जाती है, ब्रह्माणी को आमंत्रित करते हो ब्रह्मा रह जाते हैं, इंद्र को आमंत्रित करते हो तो इंद्राणी रह जाती है, इंद्राणी को आमंत्रित करते हो तो इंद्र रह जाते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शंकर ऐसे हैं जो माता पार्वती के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते अपने भक्त के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। गौरी शंकर की आराधना, तो लक्ष्मी जी बोली मैं इतने समय से शंकर को जल चढ़ा रही हूं, मैं इतने समय से शिव पर जल चढ़ा रही हूं, शंकर प्रसन्न नहीं होते। भगवान माता ब्रह्माणी ने कहा शंकर को जल चढ़ाकर अगर हाथ की इन मुद्राओं को, हाथ की अंजलि को, हाथ को अगर थोड़ा सा भी आप जलाधारी पर स्पर्श कर देते हो तो वो जल पार्वती और शिव दोनों को समर्पित होकर पार्वती जी उसको स्वीकार कर लेती है कि इसने मुझे भी जल चढ़ाया है, केवल स्पर्श मात्र। जैसे ये शिवलिंग है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, इस जलाधारी का जो गोल भाग है, चौकोर भाग है जलाधारी का, उसका मात्र जल चढ़ाने के बाद स्पर्श मात्र कर लेने पर भी पार्वती और शिव की आराधना का पूरा फल हमें प्राप्त हो जाता है। प्रदोष काल में एक बड़ी सुंदर बात आती है, प्रदोष काल आप में से कोई प्रदोष का व्रत करते हैं,
करते हो आप लोग? ठीक है, कितने लोग हैं जो नहीं करते? हाथ उठा लो। ठीक है, नहीं करते ना, कोई बात नहीं, रख लो, रख लीजिए। 26 प्रदोष का, 24 तो 12 महीने की और अधिक मास की दो, 26 प्रदोष का फल, 26 प्रदोष का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है, एक क्षण में। कब? कहा जिस दिन प्रदोष का दिन हो, 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो, और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो। 26 प्रदोष का फल एक ही दिन में, एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। 26 प्रदोष अब कई माताएं कहेंगी, गुरुजी हम तो इतने साल से प्रदोष कर रहे हैं और तुमने इन सबको एक ही में निपटा दिया, एक ही बार में पूर्ण करा दिया है, हम इतने साल से कर रहे हैं। वो क्या, देखो तुम सब व्रत कर रहे हो ना, तो ये आजकल की जो नव युवक पीढ़ी है, ये हो सकता है व्रत कर पाए ना कर पाए। आजकल की जो नव युवक पीढ़ी है, बहुएं हैं, बेटियां हैं, नौकरी में सर्विस में लगी रहती हैं, दिन भर उनको मानसिक टेंशन भी बना रहता है, घर परिवार सब देखना करना, ये करना वो करना, तो हो सकता है इनका प्रदोष व्रत नहीं हो पाए। तो पर ये भूल से भी प्रदोष के दिन किसी भी प्रदोष में अगर शंकर के मंदिर में घर से जाते समय जल और एक घी से भरा हुआ माटी का दीपक बाती लगा हुआ लेकर चले और शिव को जल चढ़ाकर पार्वती के स्पर्श कर दीप प्रज्वलन कर दें, बाबा को विनय कर दें, पूरी 26 प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। उन बेटे उन नहीं है इतना। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति, और शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद करा विष्णु दास, भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भगवान शंकर के मंदिर में सेवा करना, नारायण के मंदिर में गए तो नारायण के मंदिर में सेवा करना, सनातन धर्म हमें सिखाता है हम देवताओं को ना तोड़ें, यह हमारा सनातन धर्म सिखाता है, हम देवताओं से दूर ना हो, यह हमारा सनातन धर्म सिखाता है। कई लोग कहते हैं हम कृष्ण वाले हम यहाँ नहीं जाएंगे, कोई कहता हम शंकर वाले हम राम के मंदिर नहीं जाएंगे, कोई कहे हम राम वाले हम नारायण के मंदिर, नहीं ऐसा नहीं है, हमारा सनातन धर्म कहता है शिव की पंचायत में 5 देव हैं, इसलिए सनातन धर्म में सब देवताओं को प्रथम कहा गया है, सबको प्रणाम किया गया, सबको नमन किया, कभी भी किसी भी देवता को नीचे नहीं दिखाया गया कि राम बड़े कि कृष्ण बड़े कि शंकर बड़े कि ये बड़े कि वो बड़े। किसी पुराण में विष्णु पुराण पढ़ोगे उसमें भगवान विष्णु को प्रथम कह दिया गया, वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में शंकर को प्रथम कह दिया गया, राम कथा सुनोगे तो राम जी की प्रथमता कही गई, कृष्ण कथा सुनोगे तो कृष्ण की प्रथमता कही गई, देवी भागवत सुनोगे तो देवी की प्रथमता कही गई, प्रत्येक पुराण में देवता की प्रधानता कही गई। कई लोगों के मन में संशय हो जाता है कि जिसने पुराण लिखा उनको सब चीज सोच लेना थी, कम से कम एक को प्रथम कर देना था, बाकी कोई दूसरा तीसरा चौथा कर देना था, पर जिसने पुराण की रचना करी उसकी चित्त वृत्ति में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं था, इसलिए उनको वेद व्यास जी कहते हैं, उन्होंने सब देवताओं को सम कहा, सब देवताओं को सम कहा, उनके अंदर भेद नहीं है। उनके अंदर समर्पण का भाव और सबकी समता है, सबकी समता। और हम तो आपसे भी कहेंगे आप कभी भेद ना करिए, और यहां तक कहते हैं हम कथा के माध्यम से कि अपने को हल्का फुल्का मत समझिए, तुम सब भारी हो। जो चीज हल्की होती है ना वो छूट जाती है, जो भारी होती है वो छूटती नहीं है, भारी से मतलब महंगी, सस्ती छूटती है महंगी नहीं। 3 लाख की घड़ी हाथ में पहन लो, तीन लाख की घड़ी कहीं छूटेगी? 50 रुपए की छूट गई। 2 लाख का मोबाइल जेब में रख लो, 2 लाख रुद्राक्ष उत्सव में जब आते हो और घर के लोग कहते हैं मम्मी मोबाइल ले जा, और मम्मी कहती है कीपैड ला दे, वो इतना बड़ा जो होता है, इतना छोटा सा है, छोटा सा उसमें ना तो ये कुछ भी फालतू फालतू चीजें जो चलती है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप कुछ नहीं चले, बस इतना सा। हाँ कहाँ पहुँच गई कुबेरेश्वर धाम, कब आएगी बस, वो इतना सा। और वो मान लो वो वाला लेके आती बड़ा वाला 1.5-2 लाख का, कहीं छूटता नहीं, पर वो छोटा सा था नहाने गई छूट गया तो कोई बात नहीं, महंगा नहीं छूटना चाहिए। मोबाइल की कीमत है
तो मोबाइल नहीं छूटता, घड़ी की कीमत है तो घड़ी नहीं छूटती, चैन की कीमत है तो चैन नहीं छूटती। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, अपने आप को हल्का मत समझो, सस्ता मत समझो। मेरे भोलेनाथ ने तुमको कीमती बनाकर भेजा है तो तुम्हारी भी कीमत है, तुम्हारी भी कीमत है। अपने आप को हल्का मत समझो, कभी भी किसी से बात करना तो समझ के करना, हल्का फुल्का मत समझना। अपने आप को जब हम हल्का समझने लगते हैं, भैया हमारी बड़ी बहन क्या खूब दौलत है रे, हमारे मामा जी के, हमारे काका जी के, हमारे बुआ जी के, हमारे पुप्पा जी के, हमारे उनके यहाँ खूब अच्छा, खूब भगवान का वैभव है, उनके यहाँ खूब धन है, उनके यहाँ खूब, उनके यहाँ तो खूब प्रेम से खाना खाते हो, खूब सारा माल डालाता, खूब खूब, हम उनको सेठ समझ रहे हैं, अपने आप को भिखारी समझ रहे हैं। बल्कि जिसके यहाँ जाओ, अगर घर में अचार रोटी भी खाओ तो सामने जाकर बताना, मेरे भोले बाबा की कृपा से भूखा नहीं सोता, खूब भर कर देता है। तुम्हारे घर का धन तुम्हारे घर में, तुम कौन सा हमको दे रहे हो, इसलिए हमारे घर का धन हमारे घर में हमारे को दे रहा है बाबा, दो रोटी चैन से खिला रहा है, प्रेम से खिला रहा है, आनंद में खिला रहा है, वो बड़ा सुख है हमारी जिंदगी में। अपने को हल्का मत समझो, अपने को सस्ता मत समझो। कई बेटियां कह देती हैं, कई माताएं अपनी घर में आकर अपनी बेटी के सामने, अपनी बेटी के सामने कई माता कह देती है, तेरे भाई के लिए लड़की देख के आई, तेरे भाई के लिए लड़की देख के आई, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, तेरे भाई के लिए लड़की देखने गई थी, इतनी सुंदर। अब लड़की मन में सोच रही, उसकी ननन जिससे शादी होने वाली हो, वो अब लड़की मन में सोच रही, बताओ अभी से भाभी के गुणगान गा रही है, तो ननन के मन में आ गया आंध जगदम्बा, इतनी सुंदर ना, बहू का गुणगान गाओ। घर आकर अगर किसी को बताओ, किसी रिश्तेदार को बताओ, बहू सुंदर है, ये नहीं बल्कि ये गुणगान गाओ कि मेरी बहू संस्कारित है, सम्मान करने वाली है, आदर करने वाली है, संस्कारित है। तो मेरे घर की बेटियां जब सुने कि बहू संस्कारित है, तो घर की बेटियां भी सोचे कि अब मुझे भी अपने ससुराल में जाकर सम्मान संस्कार धारण कर कर जाना है, आदर कर। अब तुमने गुणगान गाया, इतनी सुंदर बहू उसकी है कमला, तेरी बहू क्या सुंदर, क्या सुंदर, क्या सुंदर। अब मालूम पड़े कमला की बहू थी तो सुंदर, पर सवेरे से लेकर शाम तक, अभी अभी वो एक कैसी रील हमको वो दिखा रहे थे, आकाश दिखा रहा था, तो वो बता रहा था एक पार्लर में एक जीजी तैयार होने गई, और तैयार होने के बाद बोली कितनी सुंदर लग रही, और मल तैसी पूरा आंख काला काला हो गया, सुंदर। तो कहे ना एक एक महिला एक डॉक्टर साहब के पास गई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बोले क्या है, इनको नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब ने उसके पति से पूछा, तुम्हें नींद नहीं आ रही, नहीं। लो डॉक्टर साहब ने उसकी पत्नी को बुलाकर कहा, ये गोली एक रात्रि को और एक सुबह दे दिया करो, ये गोली लेकर जाओ और रात्रि और सुबह ये गोली ले लो। पति आया दौड़कर, पति ने कहा, डॉक्टर साहब ये गोली पानी से लूं कि दूध से लूं, ये गोली मैं कैसे खाऊं। पत्नी ने पूछा, हां डॉक्टर साहब मैं तो पूछना भूल गई, ये गोली इनको दूध से खिलाऊं कि पानी से खिलाऊं। डॉक्टर बोले, ये गोली तुम्हारे पति को नहीं खिलाना। पत्नी ने पूछा, फिर? डॉक्टर बोले, ये गोली तुमको खाना है, अगर तुम सो गई तो पति को भी नींद अच्छे से आ जाए। तेरे चक्कर में रात भर जागता है, टेंशन में, जरा जरा सी देर में विवाद विवाद, कई डिप्रेशन में पहुंच गए, कई डिप्रेशन में पहुंच गए। कई माताएं कहती, पति डिप्रेशन में पहुंच गए, उनसे कहते हैं पहुंचा नहीं, पहुंचा दिया, प्रयास करो जितना अच्छा दे सकते हो, जितने अच्छे से बोल सकते हो। एक छोटी सी गोली पूरे शरीर का रोग मिटा देती है, एक छोटी सी गोली। गोली कितनी बड़ी होती है, जो तुम लोग खाते हो कभी कभी दवाई में, गोली में खा लेते हो, पूरे शरीर में कष्ट है, दर्द है, अरे गुरुजी हाथ दुख रहा, पांव दुख रहा, घुटना दुख रहा, सिर दुख रहा, सारी गोली का एक गोली तुमने खा ली। कोई कोई सी गोली, गोली होती है एक गोली, इतनी सी कितनी बड़ी गोली होगी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी होती है क्या, नहीं, गोली कितनी सी, इतनी सी, एक छोटी सी गोली तुम्हारे पूरे शरीर का रोग मिटा देती है, तो एक छोटी सी मीठी बोली तुम्हारे दिल का भी रोग मिटा देती है। छोटी सी मीठी बोली, छोटी सी गोली जब शरीर का रोग मिटा देती है, तो छोटी सी मीठी बोली, केवल प्रेम की बोली बोलिए, हृदय का रोग, हृदय का दुख, हृदय की तकलीफें समाप्त हो। मीठा बोलो, और जितना मीठा बोलोगे उतना सुख का अनुभव। वो एक कीर्तन में कहते हैं ना, कहां से सीखा मोहन तूने
मीठा बोलना कहाँ से सीखा मोहन तुमने, मीठा बोलना कर कर के मीठी बातें इस दिल का चोरना, कर कर के मीठी बातें इस दिल का चोरना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, 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 बागा है तेरा लाख का पटुका अमोलना, बागा है तेरा लाख का पटुका अमोलना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहाँ से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना। छोटी सी बोली शरीर के रोग समाप्त कर देती है, तो छोटी सी मीठी बोली हमारे हृदय के दुख को भी समाप्त कर देती है। क्या चाहिए किसी को, क्या चाहिए? एक बूढ़े व्यक्ति से पूछो, क्यों? बूढ़े व्यक्ति से पूछना, पिताजी से, घर के बुजुर्ग से, घर के बूढ़े व्यक्ति से पूछना, पापा तुमको गाड़ी दिला रहे फोर व्हीलर अच्छी जोरदार, पिताजी कहेंगे क्यों पागलपंती करता है रे, मेरे को क्या करना फोर व्हीलर से। फिर बूढ़ी मां से पूछो, मम्मी, ओ मम्मी चल तुझे सोने के हार दिला देता हूँ, कंगन दिला देता हूँ, सुंदर सुंदर सोने की रकम बनवा देता हूँ, बनारसी साड़ी दिला देता हूँ। बूढ़ी माँ कहेगी क्यों हंसी उड़ाए संसार में, अब बुढ़ापे में मैं इतना सामान पहनूंगी क्या, बनारसी साड़ी वगैरह बहू को दिला, बेटों को दिला। बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता है, फोर व्हीलर गाड़ी नहीं। बूढ़ा व्यक्ति तुमसे चार चके की गाड़ी नहीं मांगता, बूढ़ा व्यक्ति तुमसे केवल पूरे 24 घंटे में 4 मिनट प्रेम से बातें मांगता है कि मेरे पास बैठो और मुझसे बात करो। बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता है, तुमसे धन दौलत संपदा बूढ़ा व्यक्ति नहीं चाहता, पर 4 मिनट मेरे पास बैठकर मेरे से 4 बातें तो करो, घर में बहुएं 4 मिनट तो मेरे पास बैठे, घर के बच्चे तो मेरे पास बैठे, 4 मिनट कोई बैठने को तैयार नहीं। 4 चके की बात तो जाने दो, 4 गाड़ी की बात तो जाने दो, 4 शब्द प्रेम की अगर बोलोगे तो बूढ़ा भी चाहता, बुजुर्ग व्यक्ति भी चाहता। शिव तत्व कह रहा, विष्णुदास और चोल राजा दोनों शिव की आराधना, दोनों नारायण की आराधना कर रहे हैं, इनमें कोई भेद नहीं मानते वो। आज चोल राजा ने भगवान शंकर के मंदिर में और नारायण के मंदिर में हीरा मोती सोना चांदी चढ़ा दिया, थोड़ी देर बाद में विष्णुदास आया, विष्णुदास ने अपने पास रखी हुई वस्तु बेलपत्र तुलसी का दल, बेलपत्र शंकर को चढ़ाया, तुलसी दल नारायण को चढ़ाया, चढ़ाते ऐसे जो सामग्री हीरा पन्ना मोनिक मोती रखे थे वो सारे के सारे ढक गए, वो सबकी सब ढक गए। अब जैसे ही सारा के सारा सामान ढका, सारी की सारी सामग्री ढक गई, चोल राजा भगवान का दर्शन कर बाहर निकला और फिर अंदर किसी कार्य से गया और भगवान का जो दर्शन करा तो नारायण के चरणों में पड़ा, सोना चांदी हीरा पन्ना सब तुलसी के दल से ढका हुआ था। चोल राजा को बड़ा गुस्सा आया, पहुंच गया शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर में जाकर चोल राजा ने देखा तो वहां पर भी जो मैंने हीरा पन्ना चढ़ाया था वो बेलपत्री से ढका हुआ था। कोई अपनी थाली में 56 भोग लगाकर शंकर को लगाए, लगाने दो, कोई अपनी थाली में हीरा पन्ना लाकर शंकर को चढ़ाए, चढ़ाने दो, पर आप किसी से कर्जा कर नहीं, किसी का धन लेकर नहीं, किसी का दिल दुखा कर नहीं। शिव पुराण कहती है आपके पास में अगर चंदन है तो चढ़ा दो, चंदन की भी अपनी सामर्थ्यता नहीं हो तो कहीं भस्म मिल जाए राख, वो भस्म भी अगर शंकर को चढ़ाओगे तो चंदन से प्रबल है भस्म, प्रीता है भगवान को प्रीता। कई लोग कहते हैं भगवान गुरु जी हम शंकर जी को क्या चढ़ाए, हमने कहा जल चढ़ाओ, तो क्या जल लेने के लिए घर जाना पड़ता है, तो फिर हमारे पास तो वो भी लेने के लिए घर पर से हमारे पास पात्र नहीं, हम क्या करें, हमने कहा शंकर के मंदिर चली जा, 3 बार ताली बजा दे, उसने कहा ताली भी नहीं बजाए तो, हमने कहा मुख से बम बम बोले बोल दे उतना ही बहुत, वो भी ना बने तो मुस्कुरा कर शिव को निहार, मुस्कुराकर शंकर को निहार। और कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि अगर नहीं चंदन नहीं, अगर नहीं तगर, कुछ भी नहीं है, आपसे भी निवेदन है लक्ष्मी की पूजन करो, तुम्हारे पास में सब सामान हो चढ़ा दो, कुछ है नहीं है माता को समर्पित कर दो, तुम्हारा दिल जैसा करे, तुम्हारे घर की जो रीति हो उसके अनुसार माता को चढ़ाओ, प्रेम से समर्पित करो, नहीं है त
हाथ जोड़कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ ये पीले चावल यही लाल पुष्प है, ये पीले चावल यही मेरा सब कुछ है, माँ मैं तुझे समर्पित करती हूँ। और विश्वास के साथ कहती हूँ, माँ अगर कुबेरेश्वर बाबा आपको मेरे घर में नारायण के साथ भेजे हैं तो मेरा विश्वास है माँ आप मेरे घर में रहना और ऐसी संपदा देना कि आने वाले वर्ष में मैं भी हीरे पन्ने से तेरी पूजन कर सकूं, ऐसी कृपा करना, वो कृपा करना। अब हमारी आदत क्या हो गई, मार्केट में सीताफल बिक रहा है, मार्केट में गन्ना बिक रहा है, मार्केट में बहुत सारी पूजन की सामग्री बिक रही है। हमारे मन में आया, हमने किसी को खरीदते हुए देखा था सीताफल, मतलब लक्ष्मी जी को सीताफल भी चढ़ाना चाहिए, हमने उसको खरीदते हुए गन्ना देखा, मतलब गन्ना भी चढ़ाना चाहिए, लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए, लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ाते हुए लोगों से सोने के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए, मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए चांदी के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए, मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए ये देखा वो भी चढ़ाना चाहिए। घर में सामर्थ्यता नहीं है और कर जा कर कर तुम सामान लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी कहती है कि तेरे दिल से तू मुझे जैसा रिझा सकता है वैसे रिझाना, अगर तू केवल दीप लगा देगा ना उतने में मैं भी खुश हो जाऊंगी और तेरा भंडार भर कर चलूंगा, भंडार भर। कई लोग कहते गुरुजी आपकी दीपावली पूजन बिल्कुल सरल है, एक सिक्का रखना है थाली में, पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन, दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो पांटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो, और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर फिर दो दिए लगाना है। दो दीप आपकी बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता की पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन रोली मोली हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबेल का टुकड़ा समर्पित कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही दो दिए से जो रखे हैं उन्हीं दो दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली, ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष। और माँ से प्रार्थना कर माता को नमन कर भाव से निवेदन कर, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी। जब हम दिल से बाबा का गुणगान करते हैं, जब हम दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं, जब हम दिल से बाबा को नमन करते हैं, बाबा सुनता जरूर। एक पत्र है छोटा सा, देखिए। नयन तारा सिंह नागपुर से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, आ जाओ इधर से निकल जाओ, धीरे से, नहीं निकलते नहीं बनेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा, निकल जाएंगे, आ जाओ। मैं नयन तारा सिंह नागपुर से हूँ, बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, 8 साल से एक काम अटक रहा था, 8 साल हो गए थे वो काम नहीं हो रहा था गुरुदेव, मैं क्या बाबा का वर्णन करूँ गुरुदेव। आप कहते हो कि सावन के महीने में कुबेरेश्वर महादेव की कांवड़ भरने वाले को बाबा 3 महीने में वापिस दे ही देता है जो वो दिल से मांगता है। गुरुदेव मैं सावन के महीने की कांवड़ भरने पहली बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आई थी, इस सावन के महीने में मैं कांवड़ भरने के लिए जब कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आई, 8 साल से काम अटका हुआ था गुरुदेव, और मेरे परिवार के 8 जनों को, मेरे परिवार के सदस्यों को किसी झूठे केस में फंसा दिया गया था, 5 सदस्यों को झूठे केस में फंसा दिया, और फंसाए हुए 8 साल तक केस चलता रहा और 5 सदस्य घेरे में रहे, कारागार में रहे, और केस चलता 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 8 साल निकल गए पर कोई निर्णय नहीं निकला। 8 साल जब निर्णय नहीं निकला, मैंने आपकी कथा टीवी पर सुना और सुना कि कुबेरेश्वर बाबा की कांवड़ भरने वाले की मनोकामना बाबा पूर्ण करता है, तो मैं भी आशा लेकर सीओर आ गई, सीओर से मैंने कांवड़ का जल भरा, जल भरकर मैं बाबा का नाम स्मरण करती हुई आपके साथ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आई और जल समर्पित कर झोली पसार बाबा कुबेर भंडारी को जल कर देकर कहा, बाबा 8 साल हो गए और ऐसा लगता है ये केस समाप्त नहीं होगा, पर मैंने सुना है तू झोली भरता,
मेरी झोली भर दे और मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे। गुरुदेव, ढाई महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बाबा की कृपा से सावन की कावड़ भर कर गई और ढाई महीने के अंदर ही मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे 5 सदस्य हमारे घर के साकुशल जज साहब ने उनको निर्णय देकर छोड़ दिया और घर भेज दिया और केस पूरा समाप्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप परम गुनगुनाते अच्छी है, गुनगुन। रिश्ता तेरा मेरा जग से प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा जग से प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा।